कॉम्पिटिशन के लिए इतना प्रिपेयर होते हम हर चीज़ छोड़ देते हैं कि सिर्फ मतलब किसी मेन कॉम्पिटिशन के लिए इतना अच्छा करना है, और जब हम मेन कॉम्पिटिशन में अच्छा नहीं कर पाते तो बहुत बुरा लगता है। बाकी देखते हैं अभी नेक्स्ट एशियन गेम्स से तैयारी तो अच्छी है, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है, प्लान्स में भी कोई कमी नहीं थी। बाकी अगर हम अच्छा नहीं किया तो हार गए, तो हार गए उसको हम मतलब कोई ये नहीं करना चाहिए, निराशा तो होती है क्योंकि हम इसी के लिए दिन रात मतलब मेहनत करते हैं, हर चीज़ हम इसी के लिए सोचते हैं कि नहीं अच्छा करना है। बाकी देखते हैं हर बार मतलब मेहनत करके आते हैं लेकिन अच्छा नहीं हो पाता। जब लीड लिया था उस समय कुछ दो माइंड में आ गए थे क्योंकि मैं निकल जाऊं या थोड़ा रुक के करूं, कुछ ऐसा था? हाँ मतलब मैं उसमें जो लास्ट किलोमीटर था उसमें डिसीजन नहीं ले पाया कि मैंने निकलना चाहिए या मतलब रुकना चाहिए। शायद मतलब मैं वही गलती कर गया कि मैं ये सोच रहा था कि फिटनेस बहुत अच्छी है तो क्यों ना मैं अपनी जान मतलब फाइनल के लिए बचा के रखूं, और शायद वही मैं गलती कर गया। शायद मैं अगर फास्ट भी रन करता लास्ट किलोमीटर तब भी मैं फाइनल में मतलब बेस्ट ऑफ फाइव में आना, मतलब ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड था जो कॉम्पिटिटर्स थे उसके हिसाब से। बाकी अगर अभी अच्छा नहीं कर पाए तो हम चाहे कुछ भी बोले लेकिन मैं अपनी तरफ से संतुष्ट नहीं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने पिछले मार्च से यूएसए में प्रिपरेशन किया था और मुझे लगता था इस बार मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास था कि नहीं मैं बहुत अच्छा करूँगा, और जो मेरे लास्ट के जो एक डेढ़ महीने के वर्कआउट थे तो मुझे तो लगता है कि, और कोच भी बोल रहे थे कि जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल वर्ल्ड लेवल का था, लेकिन अगर इतना करने के बाद भी हम अगर सक्सेस नहीं होते तो डेफिनेटली बुरा लगता है कि हम हर चीज़ हमारे पास फैसिलिटी है सब कुछ है या और फिर भी चाहे हमारा लक साथ ना दे या जो भी हमारे अंदर कमी हो, लेकिन बुरा तो लगता है कि हम जो मेन कंपटीशन है उसमें अच्छा नहीं कर पाए।